आप मुझसे मेरा जवाब चाहते थे ना? मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। तुम खुश रहो, परेशानियां तो हमारे हिस्से में आई है ना, तुम्हारा भला इनसे क्या ताल्लुक? एक मिनट, आप सब क्या कह रही हैं? खुलकर बात कीजिए। मरियम ने खुदकुशी करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए भाई, मुंह मीठा कीजिए। कर रहे हो? आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। क्या हुआ है? तुम्हें अपने भाई का कोई एहसास है कि नहीं है? क्या मतलब? यार तुम अंदर क्या करने जा रही हो? रमशा से मिलने? हाँ, क्या करोगी उससे मिलके? यार बहन होने के नाते तुम्हारा इतना फर्ज तो बनता है ना कि मेरी उससे मुलाकात करवा दो। कसम से उसको आज तक नजर भर के देखा भी नहीं है मैंने। इससे पहले कि अम्मी और मामू मेरी उससे बात तय करते ना, एक बार मुलाकात ही करवा दो, झलक दिखा दो ना उसकी। अच्छा, उस दिन तो छुप छुप के बड़े दावे हो रहे थे मोहब्बत के। हाँ, अब क्या हो गया? अच्छा अच्छा, जाएंगे। कौन? हाँ, जाओगे। यार अजीब लगेगा, अकेले खुद ही वहां जाके बैठ जाऊं। और ये नेहा की बच्ची कहाँ है? एटलीस्ट इसको तो मेरे पास होना चाहिए था, मुझे लेके जाना चाहिए था। यार किसी को तो भेज दे मुझे लेने के लिए, मैं अकेले कैसे करूंगी? यार मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर... हाँ क्यों, तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? हाँ नहीं, वो मुझे लगा कि नेहा आएगी ना मुझे ले जाने। जहां तक मेरी नॉलेज है, दुल्हन को लेके जाने के लिए दुल्हा ही आता है, तो उस हिसाब से आपको नेहा का नहीं मेरा इंतजार करना चाहिए था। तैयार रहिएगा, मैं आऊंगा। किस लिए? तुम्हें लेके जाने के लिए। चलता हूं। अब तुम उसको जाकर ले आओ। महमूद नाइद, असल में हम लोग तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करना चाह रहे थे। दरअसल हमारी ये ख्वाहिश थी कि रमशा की शादी उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद करें। मेरे ख्याल में तुम लोगों को एतराज नहीं होगा। अरे भाईजान, आपने ये कैसी बात कर दी भला? मैं कोई रिवायती सास थोड़ी बनूंगी कि बहू को शादी करके लेके गए तो घर बिठा दिया कामकाज में। रमशा का अपना घर है वो शादी के बाद भी बढ़ सकती है। मेरे लिए जैसे नेहा वैसे रमशा, क्यों महमूद? अरे बिल्कुल बिल्कुल, खुद छोड़ने जाया करेगा हमजा, जहाँ भी जाना होगा उसने, कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी। अरे बस तो ठीक है, फिर मंगनी की तारीख तय कर लेते हैं, मगर एक शर्त है कि मंगनी की तकरीब मेरे घर में होगी। क्यों कुलसुम? जैसा आप लोग मुनासिब समझे। अरे मतलब हम कैसे कोई फैसला कर सकते हैं भाभी? भाई आप बड़े हैं, जैसे आप कहेंगे होगा तो वही, हमें तो आपका फैसला मंजूर है ना जी, दिलो जान से। बस तो फिर तय के ये इस जुम्मे को मंगनी की रस्म अदा कर देते हैं मेरे घर पे। यहाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसे हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी तरफ होता, बहुत धूमधाम से करते, लेकिन आपका हुक्म सर आंखों पे। भाई यहाँ भी बड़े धूमधाम से होगी। इंशाल्लाह।
कंग्रेचुलेशंस। किस बात का? अरे आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे जानती ही नहीं है, पहचानती ही नहीं है। ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं, मजाक कर रही हूं। थैंक यू। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं वो ख्वाब जो कई सालों से मेरी आंखों में था, अब वो हकीकत होने जा रहा है। ये तुमने क्या किया शुमाइला? तुम्हें क्या जरूरत थी नाराज होके मैके आकर बैठने की? अब हाँ की खबरें हमें कौन देगा? तुम्हें काशिफ के साथ वापस चले जाना चाहिए था। नहीं चाहिए कोई खबर मामा। जिस घर में मेरी बहन के गमों का कोई एहसास नहीं किया जा रहा हो, तो वहां मैं खुशियों के ढोल बजते हुए नहीं देख सकती। तभी नहीं की काशिफ के साथ, उन्हें भी तो अपने किए का एहसास होना चाहिए। कुछ होश के नाखून लो शुमाइला, उस घर की बड़ी बहू हो तुम। अरे तुम अगर अपनी जगह खाली कर दोगी उस नेहा को तो मौका मिलेगा ना सबके दिलों पर राज करने का। और ये ना भूलना कि तुम्हारा मैका इकबाल बगैर बच्चों के दम से चल रहा है। तो फिर अम्मी, मरियम की खुदकुशी की कोशिश पर आपको इतना रोना धोना डालने की क्या जरूरत थी? जरा सी नफ्सी तो काटी थी ना उसने, और आपने इतना वावेला मचा डाला जिससे ना जाने क्या हो गया। क्या जरूरत थी आपको मामा को इतनी इमोशनल कॉल करने की? अरे बेटा समझा करो, वो भी जरूरी था, करना पड़ता है कभी कभी। अब देखना कैसे बच्चों के दिल में मरियम के लिए हमदर्दी और इस नेहा की बच्ची के लिए नफरत बढ़ती है। और वैसे भी मंगनी की कौन सी हैसियत है, आज इनके रिश्ते जोड़े तो कल टूट भी सकते हैं। तो अपने घर वापस जा बेटा, ऐसे ही मौके होते हैं जिनमें आगे आगे रहा जाता है, समझ रही है ना मेरी बात? तो ऐसे कैसे वापस चली जाओ? काशिफ लेने आएंगे तो जाऊंगी ना। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आई हूँ, ये मुंह उठा के चली जाऊंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? आप जाए यहां से, मुझे अकेला छोड़े। आपने बुलाया बाबा? हाँ बेटा आप बैठो। जी जी बाबा। मुझे पता चला है कि तुम्हारी और शुमाइला की कुछ नाराजगी। शुमाइला हम सबसे नाराज है बाबा, उसे लगता है कि हमने मरियम के साथ ज्यादती की है, लिहाजा वो इस घर की खुशियों में शरीक नहीं होना चाहती। मगर वो तो ना समझ है बेटा, तुम तो समझदार हो। उसे समझाओ कि रिश्ते जो हैं तकदीरों से होते हैं, तदबीरों से नहीं। वो कुछ समझना ही नहीं चाहती बाबा, और वैसे भी उसके यहाँ होने से सिर्फ उससे बदमजगी होगी। मगर उस वजह से तुम तो उदास रहते हो। नहीं नहीं बाबा मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें। वैसे भी मेरे पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर में इतने काम हैं, मुझे तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला। शुमाइला इस घर की सबसे बड़ी बहू है, उसको चाहिए कि तमाम जिम्मेदारियों में तुम्हारा साथ निभाए। कभी कभार हम अपने फैसलों से अपनों को नाराज कर देते हैं, और राबिया और शुमाइला भी हमसे नाराज है। लेकिन बेटा अपनों को मनाकर लेकर चलने में ही कामयाबी है। हमें भी राबिया और शुमाइला को मना लेना चाहिए, क्योंकि अपनों के बगैर कोई भी खुशी कुछ ही नहीं। जी बाबा आप ठीक कह रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ। ओए होए होए, तौबा 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 तौबा, ये खातीन के साथ तो जाना ही नहीं चाहिए शॉपिंग। तौबा है, शिकायतें खवातीन से हो रही हैं और छोटी छोटी सी चीजों के लिए आपने मुझे बाजारों के कोने से दूसरे कोने में, दूसरे कोने से पहले कोने में फिरा दिया, और शिकायतें देखो खुद करने बैठे हुए यहाँ पे। हमजा बेटा मुझे भी एक गिलास पानी दे दो, बहुत थक गई।
देता हूँ, थका हुआ तो मैं भी हूँ। मुकाबला करेगा हमसे, हमारी उम्र का ही है ना, थक गया। और तुम मुझे क्या सुना रही हो भाई, दुकान दुकान। ओ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है शॉपिंगों पे लुटाता फिरूं मैं, ना तुम्हारे भाई की तरह हुन बरस रहा है मुझ पे। और ये तुम्हारे बेटा साहब, एक टका इनकी आमदन नहीं है, थेला नहीं है इनके पास। इनकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि ये अपनी अंगूठी खुद खरीद सके मंगनी की। मैं क्यों खर्चा करूं, रिश्ता आपने तय किया, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी। सलाम है जी आपको, मेरी ही जिम्मेदारी है जी सारी। ये वैसे जिम्मेदारी किस बात की हमारी, सारी जिम्मेदारियां तो भाईजन ने अपने कंधों पे ले ली, तकरीब वो भी उन्होंने अपने घर पे रख लिए, हमें तो सिर्फ मेहमानों की तरह शिरकत करनी है बस। मेरे बाप के सर पे एहसान नहीं कर रहे तुम्हारे भाई साहब, ना मुझ पे कोई एहसान कर रहे। तुम्हारे मामू को शौक है बेटा कि उनके पैसे की तारीफ हो, हर तरफ से उनके लिए अशश वाह वाह उठे, तो सुनते रहे वो तो सुनना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके दिमाग में यह होगा कि भाई हम उनकी औकात के हैं ही नहीं, हम तो बहुत नीचे हैं, तो पता नहीं उनकी बेटी की शादी उनके शायान शान हो सकेगी कि नहीं, इसलिए सब कुछ खुद कर रहे हैं। वैसे एक बात है जी, मुझे हमने अंगूठी ली है, मुझे तो जरा पसंद नहीं आई। आप खुद सोचें, लोग क्या कहेंगे, बातें करेंगे लोग, क्या हम अपनी अकलौती बहू के लिए कोई ढंग की अंगूठी भी नहीं ले सकते मंगनी पे चढ़ाने के लिए। मैं तो कहती हूँ कल वो ना तब्दील करके लेके आते हैं। नहीं बस कर दो, खुदा का वास्ता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, समझियो सर पे शादी है, इतने सारे अखराजात हैं, और शादी के मौके पर भी तो सोना चढ़ाना पड़ेगा। वैसे अम्मी अब वो ठीक कह रहे, रमशा के लिए आप जितना भी कर लेना उसको कदर नहीं होगी, वो अमीर बाप की बेटी है, वो तो ज्वेलरी ब्रांडेड पहनती होगी। और हम जिन बाजारों से शॉपिंग करते हैं वो तो उन बाजारों में कभी गई भी नहीं होगी। तुमसे समझदार तो तुम्हारा बेटा ही है, कुछ तो ख्याल है उसे बाप के पैसों का। तुम तो चाहती हो मेरा पैसा बर्बाद हो, उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि भाईजान के साथ तुमने मुकाबला रखा रखा, तुम्हारा उनका कोई मुकाबला बनता नहीं है। अंगूठी बताओ, अंगूठी बुरी है, ये अपनी अंगूठी, ये अंगूठी इन्होंने मुझे मंगनी पे दी थी, मेरी और इसकी मंगनी जब हुई, ये वाली अंगूठी ये भाई साहब ने दी थी, और ये शादी पे दी थी जी, बड़ा एहसान किया था। देखो राबिया, मरियम की इस हालत का जिम्मेदार तुम हमें समझ रही हो, और इसीलिए हमसे बदगुमान भी हो, लेकिन ये सरासर गलत है। और देखो तुम दोनों बहनों ने भी मिलकर जो फैसला किया किसी को बताए बगैर, उसमें बच्चों की खुशी भी नहीं है। भाई साहब उम्र की नहीं होगी, लेकिन मेरी मरियम तो उसे अपनी जिंदगी में कुछ और मकाम दिए बैठी थी। देखो तुम दोनों बहनों की बेवकूफी ने उस बच्ची को गलत तवक्कात लगाने पे मजबूर कर दिया, लेकिन खैर जो भी हुआ इसका मुझे अफसोस है। और देखो आज मैं तुम्हें यहाँ उमर और रमशा की मंगनी की दावत देने के लिए आया, मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर आओगे, और मुझे उम्मीद है तुम इन नाराज़गियों को बढ़ाने के बजाय बड़ेपन का मुजाहरा करोगे। लेकिन भाई साहब, राबिया तुम दोनों बहनों की जिद और हठधर्मी की वजह से काशिफ और शुमायला का घर मुतासिर हो रहा है, और एक माँ का काम बच्चों की घर गृहस्थी बिगाड़ना नहीं संवारना होता है। तुम्हें तो शुमायला को समझाना चाहिए कि इस वक्त घर में कुलसुम के साथ मिलकर इसको जिम्मेदारियों में हाथ बटाना चाहिए। तो मैंने कब मना किया है भाई साहब, लेकिन एक बात बताएं, क्या मेरी बच्ची को थोड़ा सा भी नाराज होने का हक नहीं है क्या? काशिफ चाहता तो इसे मना कर ले जा सकता था, लेकिन इसने तो पलट के खबर तक ना ली। नहीं खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शुमायला के रवैये ने मुझे इसका रवैया बहुत बुरा लगा था, काफी गुस्से में था। अच्छा चलो अब तो गिले शिकवे दूर हो गया। बेटा तुम अपना सामान लो और हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हाँ शुमायला बेटा जाओ जाओ, तैयार हो जाओ, आखिर इस घर की बड़ी बहू हो तुम, सब कुछ तुमने ही करना है। जाओ मेरा बच्चा, जाओ तैयार हो जाओ।
जी। भाई साहब मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। नेहा जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। कहाँ रह गई है नेहा? भाई वक्त पर वहां पहुंचेंगे तुम? नेहा वहां जाके तैयार होगी ना। तुम्हारे भाई साहब ने इतनी लंबी लंबी छोड़ी थी कि कुछ पार्लर वाली उन्होंने बुलाई हुई है, वहीं पे तैयार होगी नेहा। तो जाके देखें कि ऐसे ही छोड़ रहे थे या कोई है भी। नहीं नहीं महमूद, वो नेहा कह रही थी कि वो घर से ही तैयार होके जाएगी। कह रही थी कि मामू ने पहले इतना कुछ किया है तो बुरा लगेगा ना। मेरे बाप के सर पे एहसान किया है तुम्हारे भाई साहब ने, उन्हें तो आदत है लोगों पे अपना रोब बिठाने की, तो इस चक्कर में कर रहे हैं वो। मेरे कान क्यों खा रही हो? जाओ बुलाओ उसे। जी जाती हूँ। अच्छा वो हमजा कहाँ है? मैंने उसे फूल लेने के लिए भेजा था, अभी तक आए नहीं। उससे मैंने कहा था कि स्कूटर ले जाए और सीधा फूल लेके मामू की तरफ पहुंचे। फूल लेके वापस आएगा, पेट्रोल पता ना कितना महंगा हो गया है, पहले यहाँ आए फिर वहां जाए। अब मेरे कान ही खाए चली जाओ, बुलाओगी? जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही नेहा। ये किया है मामू ने, वो किया है। क्यों देर कर देती हूँ मैं? नेहा। जी 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 अम्मी, मैं बस हो रही हूँ तैयार। बेटा वो तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं कि भाईजन के घर चल के ही तैयार होना। कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, पहले इतना कुछ कर रहे हैं वो। बेटा तुम ठीक कह रही हो कि वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, बड़े हैं हमारे, अब उनकी ये बात टालना भी तो मुनासिब नहीं है। चलो जल्दी करो, आ जाओ। बाल सुखा के आ रही हूँ। आ जाओ आ जाओ। अपने तीनों बेटों को इस तरह खुशो खुर्रम देखकर मेरा खून ढेरों बढ़ जाता है। अल्लाह ताला तुम लोगों को हमेशा सलामत रखे। आमीन। आमीन आमीन। वैसे माशाल्लाह देखे तो सही, दूल्हा बन के कितना प्यारा लग रहा है हमारा उमर। प्यारा तो लग रहा है, वैसे प्यारा तो मैं भी लग रहा हूँ। वैसे मामा आज की तकरीब में आपको कोई लड़की पसंद आए तो बता दीजिएगा, आपकी ख्वाहिश के आगे सर ऐसे झुका लूं। मामा आपको क्या हुआ? बहुत अपसेट लग रही हैं, खुश नहीं हैं आप? क्या तुम्हारी खुशी के लिए तो मैंने अपनी बहन को नाराज कर लिया। बेटा बस मैके के नाम पर मेरे पास एक ही रिश्ता था, उसकी नाराजगी का सोचकर दिल उदास हो जाता है। सोच रही हूँ पता नहीं इस खुशी में वो शामिल होगी भी या नहीं। नहीं मेरी राबिया से बात हो गई है, वो जरूर आएगी। बेटा चलो आओ। चल चल। प्लीज अपनी मामा को कहना खाना खा। शुमाइला, नेहा और रमशा रेडी हो गई? जी मामा रेडी हो गई हैं, बस थोड़ी देर में आ रही। सारे मेहमान आ चुके हैं और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे बाबा रस्म के लिए किसी भी वक्त बुला लेंगे। तो बेटा एक मरतबा फिर अच्छी तरह देख लो कि सारे इंतजाम कम्प्लीट है ना। जी इंतजाम तो पूरे हैं मामा, मगर मुझे मरियम की बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं उसकी तबीयत अब कैसी होगी। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि मरियम और मामा आ पाएंगे। हाँ बेटा मैं तुम्हारी उदासी समझती हूँ, लेकिन राबिया और मरियम की कमी मैं भी बहुत महसूस कर रही हूँ। हेलो राबिया और मरियम आ गए। राबिया तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यकीन जान मुझे पता था कि तुम मेरी बहन हो, तुम अपना दिल साफ कर लोगी मुझसे। तुम जान नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देख के। जाहिर है बच्चों में कैसे ना आती, बेटी की माँ जो मरियम ना बन सकी, लेकिन मेरी शुमाइला तो आपके घर की बहू है ना। मेरे नाने पर उसे ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता। राबिया तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने कभी शुमाइला के साथ सास वाला बर्ताव किया है? छोड़े ना इन बातों को बच्चों, दरअसल मरियम नहीं चाहती थी कि हमारी घर मौजूदगी से शुमाइला उदास हो।
देख लिया आपने मेरी दोनों बेटियों का दिल बच्चों? इतनी तजलील के बाद भी मरियम सब कुछ भुलाकर उमर की खुशी में शरीक होने आ गई, और शुमाइला उसे तो अपनी बहन के दुख दर्द से ज्यादा इस घर की खुशियां अजीज हैं। आप देखें कैसे बढ़ चढ़ के कामों में हिस्से ले रही है। तुम्हें छोड़े ना इन बातों को, आज खाला के घर खुशी का मौका है, कम से कम आज तो ऐसी बातें ना करें। अच्छा चलो आओ, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। अच्छा अच्छा राबिया, ये रिश्ता तुम्हारे भाई ने तय किया और उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा बच्चों, लेकिन आपको कम से कम रमशा के हक में आवाज उठानी चाहिए थी। उमर तो अपनी मोहब्बत में अंधा हुए बैठा है, कम से कम काशिफ उसामा होश के नाखून ले लेते। कौन यूं बहन को अंधी खाई में धकेलता है। क्या यही टहलते रहेंगे? देखा है भाईजान और भाभी को कैसे उमर को घेरे में लेके बैठे हैं। चले ना, मैं और आप भी हमजा के पास चल के बैठते। दूल्हा के माँ बाप है हम भी। तुम्हारी सारी जिंदगी मुकाबलेबाजी में गुजर जाएगी, और वो भी अपनी भाभी के साथ। नजर नहीं आ रहा तुम्हारे भाई ने कितना बड़ा धोखा दिया है हमें। कैसा धोखा? आंखें ये बटन नजर नहीं आ रहा। उस वक्त तो बड़े चाव से कहा था सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब क्या हो रहा है? ये तमाशा दिखाने के लिए लोगों को दिखावा, बस अपने जितने मेहमान हैं उन्हें कीमती सोफों पे बिठा दिया, तो मैं क्या करूं? अपने मेहमानों को मैं जमीन पे बिठा दूं? नहीं, क्या करूं बताओ? आस्था बोले, आप यही तमाशा लगाएंगे क्या? आप ये क्यों बोल रहे हैं कि हम उन्हें बेटी दे रहे हैं? और ये आपने अच्छी बात के इंतजाम की, देखा है नेहा का जोड़ा कितना कीमती है, लाखों का जोड़ा है। पापा पुप्पी आप लोग यहाँ क्यों खड़े? बाबा कह रहे हैं कि रस्में शुरू करते। आपके बाबा जान का हुक्म है तो रस्में शुरू करनी पड़ेंगी भाई। आइए आप बेटा, आओ आओ। वो तुम्हारे पापा और मैं यही बात कर रहे थे कि रस्म शुरू करते हैं। जी भाई जान। अरे अगर तुम्हारी इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए। मुझसे इजाजत मांग के क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप हमारे बड़े हैं, जो आप मुनासिब समझेंगे वैसा कीजिए बस। कुसुम जाओ अंगूठियां ले। जी शुमाइला। जी मम्मी। मेरे रूम में रिंग्स पड़े हैं, जाओ ले। जी Thank you.
हाँ, क्या हुआ? मामा, वो रिंग्स नहीं है। क्या? क्या मतलब? बेटा तुमने ठीक तरह देखी नहीं होंगी, मैंने वहीं रखी थी। हाँ मैंने देखा ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे आपने बताया था वहाँ से सिर्फ खाली डब्बे निकले हैं, उनके अंदर रिंग्स नहीं है। अच्छा खैर, तुम जाओ, तुम देखो। हाँ मैं लेकर आती हूँ। चलो शमैला तुम मेरे साथ। शुमाइला, अगर बॉक्सेस यहाँ पे हैं, तो रिंग्स भी यहाँ ही होनी चाहिए। मामा मैंने जब देखे थे तो उसके अंदर रिंग्स नहीं थी। शुमाइला तुमने अच्छी तरह नहीं देखा होगा। मैंने ठीक तरह देखा था, सारे ड्रॉस चेक किए थे। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं खुद देखती हूँ। मामा मैं हर जगह तलाश कर चुकी हूँ, मैंने ड्रेसिंग टेबल के नीचे भी देखा था कि शायद गिर गई हूँ, लेकिन नहीं है। या अल्लाह, जा सकती है रिंग्स? आपने कहीं गिरा तो नहीं दी थी? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? चोरी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कहां गायब हो गई है रिंग्स। मामा आई गेस पापा को बता देना चाहिए, उन्हीं के पास इस मामले का हल होगा। मैं ये परेशान हूं कि नीचे जाके मैं क्या जवाब दूंगी। आ जाए, उन्हें बताते हैं। ठीक है। आ गई भाभी, आ गई। क्या हुआ? मैंने जहां रखी थी रिंग्स वहां नहीं है, बहुत ढूंढी लेकिन मिल नहीं रही। अब मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि कहां जा सकती। माले, बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया था। आप लोगों ने अंगूठी खरीदी भी थी या? हाँ हाँ। नहीं भाईजान, मैं ऐसे मजाक में ये बात कर रहा हूँ, कोई संजीदा ना लीजिए, इसे बुरा मत मानिएगा आप। अंगूठी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं भाभी, इसमें क्या बुराई है? भाई आप यूं कीजिए ना, आप अपनी होने वाली बहू को अपनी अंगूठी पहना दीजिए, हमारे लिए इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। और वैसे भी ये खानदानी रिवायत चली आ रही है, तो विरासत में तो ऐसे ही होता है फिर। और ये कौन सा अचंभे वाली बात है? भाई सास अपनी होने वाली बहू को जेवर चढ़ाती है, अपनी अंगूठी भी चढ़ा देती है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना भाईजान? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम ऐसा करो, जो अम्मा ने तुम्हें अंगूठी दी थी वो पहनाओ बच्चों को। अरे वाह, देखिए घर की चीज घर में ही रहेगी। हाँ, चलो पहले ही बहुत बहुत आया, बहुत खुशी हो रही है इस बात पे, बहुत खुशी। आइए भाभी, बिस्मिल्लाह कीजिए। चलो बहुत देर हो गई। आइए आइए आइए, आ जाओ। We'll be right back.
क्या बात है बच्चों, आप इस तरह यहाँ तन्हा क्यों बैठी हुई हैं? नहीं बस वैसे। रहने दे बच्चों, कम से कम मुझसे तो झूठ ना बोले, जैसे मैं कुछ जानती नहीं। वैसे मैं तो समझ रही थी आपने सिर्फ मरियम के साथ बुरा किया है, लेकिन आप तो रमशा के साथ भी ज्यादती कर रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने रमशा के साथ क्या ज्यादती की? अनजान मत बने बच्चों, आपने देखा ही नाहिद ने क्या किया रमशा के साथ। अरे जो छिलका अंगूठी क्या कर उसने पहनाई है वो नजर नहीं आ रही आपको? हमारी नाजो पली बच्ची के लिए क्या यही रह गया था? माफ कीजिएगा बच्चों, इतने भी गिरे पड़े नहीं आपके नन्नंदोई साहिबा। सारी उम्र तो इकबाल भाई ने भर भर कर देते आ रहे हैं, इसी बात का लिहाज कर लिया होता नाहिद ने। दुनिया दिखावे के लिए ही सही, इकबाल भाई से लेकर ही कम से कम बहू को भारी अच्छी अंगूठी तो पहना देती। मगर मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ, वो ये सब जानबूझकर कर रही है। खुद तो बहाने से खानदानी अंगूठी ऐंठ ली और हमारी रमशा के साथ यह सलूक किया, जबकि खानदानी अंगूठी पे पहला बड़ी बहू का होता है। मगर खैर छोड़े बच्चों, क्या गिले शिकवे। मेरी शुमाला के साथ तो हमेशा से यही होता आ रहा है, उसका तो हक ही मारा जाता है। राबिया, ये रिश्ता तुम्हारे भाई ने तय किया और उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा बच्चों, लेकिन आपको कम से कम रमशा के हक में आवाज उठानी चाहिए थी। उमर तो अपनी मोहब्बत में अंधा हुए बैठा है, कम से कम काशिफ उसामा होश के नाखून ले लेते। कौन यूं बहन को अंधी खाई में धकेलता है? अब क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। जरा सोचिए बच्चों, जो लड़की आपके घर आने से पहले आपको भाई साहब की नजरों में गिरा सकती है, जब वो बहू बनकर आएगी तो न जाने क्या क्या करेगी। और वैसे भी मंगनी की कौन सा शरई हैसियत है? मेरी बात समझ रही है ना आप? आप चाहें तो बात अभी भी आई गई हो सकती है। देख लिया आपने पप्पा ने कैसी चाल चली है, और बाबा ऐसे नजर झुकाए बैठे थे जैसे नेहा मैडम किसी रियासत की शहजादी लगी है। हद है। अब क्या बुरा लग गया तुम्हें? अच्छा, आप तो ऐसे अनजान बने जैसे आंखें बंद करके वहां बैठे थे। किस हैसियत से नेहा मैडम को खानदानी अंगूठी दी गई है? ना तो वो इस घर की बड़ी बहू है, ना ही इकलौती। अगर उस अंगूठी पे किसी का हक था तो मेरा था, मैं बड़ी बहू। तुम क्या बातें कर रही हो? वहीं पर थी ना तुम? तुमने देखा क्या सिचुएशन बनी हुई थी, किन हालात में वो अंगूठी देनी पड़ी है? याद है बाबा कितने गुस्से थे? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मामा के कमरे से कौन रिंग निकाल सकता है यार। आप मेरी तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? मैंने चुराई है क्या? मैंने ऐसे कब कह रहे हैं शुमाइला, मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे। मुझे क्या पता, मैं कोई थानेदार हूँ, हो सकता है किसी मुलाजिम ने चुरा लिया। घर के तमाम मुलाजिम तो भरोसा मान लिया, कौन हो सकता? मुझे क्या पता काशिफ, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। बेटा अभी तक सो रही है, उठी क्यों नहीं है? उठ जाऊंगा, नाश्ता कर लूंगा, थोड़ी थकावट हो रही थी बस। हाँ चाहे कल की तकरीब की थकावट है, जाहिर है इतने घंटे बैठी रही। अब तुम अच्छा है कि आराम करो, बल्कि जितने दिन यहाँ हो माँ के घर पे आराम करो, क्योंकि अब तुम यहाँ पे मेहमान हो। क्यों कर रही हैं आप ऐसी उदासी वाली बात? माशाल्लाह जच रही है ये अंगूठी मेरी बेटी के हाथ में। तुम्हें पता है ये अंगूठी मेरी अम्मा की थी, उन्हें मेरे अब्बा ने ये
वो दिखाई में देती। मुझे हमेशा से अंगूठी बहुत पसंद, लेकिन मेरी अम्मा कहती नहीं, मेरी बहू का हक है इस पे। फिर तो ये ममानी को भी बहुत अजीज होगी ना। मुझे कल ऐसा महसूस हुआ कि शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा मुझे ये अंगूठी पहनाना। अब्बू को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ये तो जबरदस्ती उनकी चीज लेना हुआ ना। अरे बेटा, हमने कौन सी जबरदस्ती की है? तो भाईजान ने खुद भाभी से कहा था ये पहनाने को, और वैसे भी ये अंगूठी मेरी अम्मा ने अपनी बहू को दी थी, तो इस तरह भाभी को भी चाहिए कि वो अपनी बहू को दे। और तुम उस घर की होने वाली बहू हो, तो जाहिर है ये अंगूठी भी उसी घर में रहेगी, है ना। चलो वो जॉब साथ नाश्ता करते हैं। आपने तो नहीं किया ना अभी? नहीं, तुम्हारे बगैर कैसे करूंगी? साथ करते हैं। मेरी बच्ची, चलो शाबाश, मैं बना रही हूँ नाश्ता, जल्दी आ जा। आ रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? अभी तो बच्चों की मंगनियां की हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, और तुम थक गई हो। शुमैला बता रही थी कि तबीयत सही नहीं है। हाँ मामा, आपका नाश्ता। क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत खराब थी तो आप हमें जगा देती ना, बता देती, मैं अपने हाथों से आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती। क्या बात है, नाराज हो किसी बात पे? हाँ बाबा, नाराज होने वाली बात तो है, पापा ने हरकत ही ऐसी की थी। अब माना के सासे जो है अपनी बहू को जेवर चढ़ाती है, लेकिन मामा अपनी चीज जिसको दे उनकी मर्जी ना। अब ऐसे सारे मेहमानों के सामने उन्होंने उनसे जबरदस्ती अंगूठी ले ली, क्या ये मुनासिब है? अरे भाई, जो कुछ भी है सब हमारी औलादों का ही तो है, और इस तरह हमें सब कुछ बच्चों ही को सौंप देना चाहिए, इसमें शिकायत वाली कौन सी बात? नहीं बाबा, मामा सही कह रही है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोगों के पास जो कुछ भी है हमारा ही है और हमें ही सौंपना चाहिए, लेकिन इस तरह इतने लोगों के बीच में आपको, मामा को ये सब कहना अच्छा नहीं था। आई थिंक इस बात तो उन्हें काफी हर्ट किया। मामा, मामा, आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूं। और आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? मैंने यहां से बात करूंगा, वो अंगूठी वापस कर दे, मैं दूसरी बनवा लेंगी बस। खबरदार जो ऐसी बेवकूफी की बात सोची। अब हम इतने गए गुजरे हैं कि अपनी दी हुई चीजें वापस लें लोगों से, और तुम्हारी ये शिकायत बिल्कुल नामुनासिब है।